नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए कनाडा को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वहां के आतंकवादियों, अलगाववादियों और भारत विरोधी तत्वों को जगह दी गई है। कनाडा कहता है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिप्लोमेट्स को धमकाया जाए। किसी देश के दूतावास पर स्मोक बम फेंकना और हिंसा करना अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। एक चैनल के समिट में जयशंकर ने कनाडा, चीन और मालदीव के साथ रिश्तों पर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा, हमलों के दोषियों को सजा दी जाना जरूरी है। ब्रिटेन में पिछले साल हमारे हाई कमीशन पर भीड़ ने हमला कर दिया। उस वक्त हमें वैसी सुरक्षा नहीं मिली जैसी हमने उम्मीद की थी, हालांकि अब हालात बेहतर हैं। जयशंकर ने आगे कहा, भारत उम्मीद करता है कि लंदन और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावासों पर हुए हमलों के दोषियों को सजा दी जाएगी। हमें कनाडा के लोगों के लिए वीज़ा सर्विस सस्पेंड करनी पड़ी थी क्योंकि वहां हमारे डिप्लोमेट्स को डराया धमकाया जा रहा था। बार बार ऐसी हरकतें होने पर भी हमें कनाडा की तरफ से कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला। चीन के साथ रिश्तों पर बात करते हुए विदेश मंत्री बोले, 2018 में पीएम मोदी चीन के वुहान गए थे। इसके बाद 2019 में जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे। दोनों यात्राओं के दौरान हमने कूटनीति के जरिए चीन के साथ रिश्ते समान करने की कोशिश की, लेकिन 2020 में उन्होंने LAC के पास मिलिट्री कंस्ट्रक्शन और सैन्य तैनाती बढ़ाकर निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन किया। विदेश मंत्री ने कहा, इसके बाद हमारे पास एक ही रास्ता बचा था, हमने भी LAC के पास सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। यह साफ है कि इसका असर दोनों देशों के राजनीतिक रिश्तों पर पड़ा है। इसके अलावा भारत ने चीन के मुद्दे पर कुछ आर्थिक फैसले भी किए, यह भी नए संतुलन का हिस्सा है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।